ओम नमः सत्येभ्यो ओम नमः सत्येभ्यो ओम नमः सत्येभ्यो नमो यन्तां नमो सिद्धां नमो नमो सप्रसाद मंगलम भगवान वीरो मंगलम लोकमोहिनि मंगलम सर्वमंगले मंगले सर्वकल्याणकारकं सदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु सुशासनं जयनं जयतु कल हमने द्रव्य का चैप्टर पढ़ा था, आज उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। तो प्रश्न पूछेंगे उससे अपने को समझ में आ जाएगा कितना कुछ अपने को समझ में आया। एक तो प्रदेश है, प्रदेश किसे कहते हैं, प्रदेश किसे कहते हैं, प्रदेश आप खड़े करना बस। हाँ बताइए। हाँ, क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई को प्रदेश कहते हैं। इन अपन ये तो अपने को नापना होगा तो कैसे नापेंगे कि प्रदेश कितना बड़ा है, बताओ आप बताओ, सही बता रहे हो आप बताओ क्या रोकता है उतने क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। दोनों उत्तर सही, क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई का नाम प्रदेश है और आकाश के जितने हिस्से को एक उद्गल परमाणु रोकेगा उसका नाम क्या है, प्रदेश। परमाणु उद्गल की सबसे छोटी इकाई, यानी उद्गल का वो अविभागी अंश जिसका पुनः विभाग नहीं है। उद्गल के सबसे छोटे हिस्से को, उद्गल के सबसे जो सबसे छोटा उद्गल है वो है परमाणु। असल में तो उद्गल परमाणु को ही कहते हैं, शुद्ध जो उद्गल है वो परमाणु ही है। ये तो अनेक उद्गल परमाणु का समूह है वो स्तंभ। ठीक है, प्रदेश की परिभाषा हो गई। ऐसे ही समय किसे कहते हैं, भैया ये तो उनकी परिभाषा से आ गई था। अपन यदि इसको अपन ने दूसरे तरह से समझाया था, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के परमाणु को जाने में जितना समय लगे, जितना काल लगे, जितना काल लगे, एक उद्गल परमाणु को एक आकाश के प्रदेश से निकट के आकाश प्रदेश तक, निकट के आकाश प्रदेश पर जाने में जितना समय लगे उसको क्या कहते हैं, समय। आकाश का प्रदेश तो समझ में आएगा ना सबको, तो परमाणु भी समझ में आएगा, उद्गल परमाणु। एक उद्गल परमाणु अत्यंत मंद गति से गमन करे और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक जाने में उसको जितना काल लगे उसको क्या कहते हैं, समय। क्लियर है, तो एकदम स्पष्ट आज आ रही नहीं अजय जी, क्लियर है। अभी मैंने आपसे नहीं पूछा, बाकी सबसे पूछ लिया। एक उद्गल परमाणु को आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक जाने में जितना काल लगे उसको समय कहते हैं, ये काल की सबसे छोटी है। अब अपना प्रदेश प्रश्न है कि जीव के कितने प्रदेश होते हैं, जीव के कितने प्रदेश, मैंने जीव क्षेत्र में कितने प्रदेशों को घेरता। यदि कम से कम भी शरीर, सबसे छोटा शरीर किसका होता है, जीव अपने संसार अवस्था में अपने शरीर प्रमाण, मुक्त अवस्था में अंतिम शरीर प्रमाण। तो जीव जो है अपने शरीर प्रमाण है, सबसे छोटा भी शरीर होगा जो निगोदिया का होता है तो वो कितने प्रदेश घेरता है, तो मैंने बताइए आपको कितने प्रदेश घेरता है, सबसे छोटा शरीर आकाश के कितने प्रदेशों को घेरे। बताओ, हाथ खड़ा करके बताना कितने प्रदेशों को घेरेगा, बताओ। अनंत नहीं, अनंत प्रदेश कैसे घेरेगा जीव, अनंत प्रदेश घेरने के लिए उसको लोकाकाश के बाहर जाना पड़ेगा, लोकाकाश ही असंख्या प्रदेश ही। सबसे छोटे शरीर में, सबसे छोटा शरीर पूरे लोकाकाश को घेरता है क्या, ये जो आपने उत्तर दिया है तो जीव के कुल प्रदेश है।
छोटे शरीर में रहेगा तो कितने प्रदेश गए? एक प्रदेश में एक शरीर रह जाएगा। निगोदिया का जो सबसे छोटा शरीर होता है, मतलब जो सबसे छोटा शरीर निगोदिया का, तो छोटा से छोटा शरीर कम से कम असंख्यात प्रदेशों को गया। अन्य जीव यदि संकोच अवस्था में भी रहेगा कम से कम असंख्यात प्रदेश तो घेरेगा ही घेरेगा, लेकिन वो भी असंख्यात है और विस्तार करेगा तो सबसे बड़े शरीर में जाएगा तो भी असंख्यात प्रदेश घेरेगा, और पूरे लोकाकाश में फैल जाएगा तो भी असंख्यात प्रदेश घेरेगा। ये सब असंख्यात छोटे से लेके बड़े शरीर तक रहे, बड़े से लेके लोकाकाश तक भी पूरा फैल जाए, रहेगा असंख्यात प्रदेश। मूल में जीव के कितने प्रदेश हैं? यदि पूरे फैल जाए, जीव के सारे प्रदेशों को फैलाया जाए, तो जीव कितने प्रदेशों को घेरता है वो आपका उत्तर है। कितने प्रदेशों को? लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश, ये फिक्स है। लोकाकाश कितने प्रदेश? धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के कितने प्रदेश हैं बताओ? पंचली जी बता रहे हैं धर्म अधर्म द्रव्य कितने प्रदेश है? कितने असंख्यात? संख्या तो फिक्स है उसका। लोकाकाश प्रमाण असंख्यात। काल द्रव्य कितने प्रदेश? बोलना कोई नहीं, बस हाथ खड़े करके जाना, फटाफट होता जाएगा। काल द्रव्य कितने प्रदेश है? ये तो बिल्कुल जिसको कुछ नहीं आता होगा उससे पूछेंगे, इसका मतलब ये नहीं जिससे पूछा जाएगा किसे। चलो भैया बता दो काल द्रव्य कितने प्रदेश है? एक प्रदेश। जीव हो गया, धर्म अधर्म और काल। आकाश कितने प्रदेश है? हाँ बताओ। अनंत प्रदेश। अब बचा कौन सा द्रव्य? काल। काल द्रव्य बचा? उद्गल बचा। उद्गल, उद्गल कितने प्रदेशों को घेरता है? एक से लगाकर असंख्यात प्रदेशों को घेरता। ठीक है, ये हो गई इतनी स्पष्ट क्लियर बात। इसमें क्या कठिन लग रहा है बताओ किसी को? ये क्षेत्र की अपने बात समझ। ठीक है ना, बात होता है। अब इसमें एक प्रश्न उठता है कि भाई उद्गल तो अनंत है और क्षेत्र असंख्यात ही है, तो असंख्यात प्रदेश क्षेत्र में अनंत उद्गल कैसे आ जाएंगे? उसके लिए कल अपन ने उदाहरण दिया था, जैसे दूध में शक्कर आ जाती है, ऐसे असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में अनंत उद्गल सब आ जाते, कोई उनको आपस में बाधा नहीं होती। इसलिए संसार में उद्गल है अनंत, लेकिन क्षेत्र तो वो असंख्यात प्रदेश ही गिरते हैं, अनंत प्रदेश वे नहीं गिरते। ठीक है, असंख्य प्रदेश ही असंख्यात है, भले ही वे अनंत हो लेकिन वे असंख्यात प्रदेश से बाहर नहीं जाते, असंख्यात प्रदेश में भी अनंत आ जाते हैं, क्योंकि आकाश में ऐसी अवगान शक्ति है कि वह असंख्यात प्रदेशों में अनंत उद्गलों को रहने को स्थान देते हैं। तो उद्गलों में भी ऐसी शक्ति है कि वह अनंत मिलकर भी असंख्यात प्रदेश में रह जाते हैं, इसलिए सारी संसार की व्यवस्था बनी हुई है। कोई प्रश्न यहाँ तक? इधर इधर से इधर तो ठीक है, क्योंकि बाद में फिर प्रश्न नहीं करना, ये समझ में नहीं आया आज ये कितना आया कितना नहीं आया, उपयोग थोड़ा यही लगाना। अब आज के बाद अपनी करेंगे नहीं। पंचली जी नहीं आया तो पूछ लो, देखो अभी ये क्या है, क्लास है अपनी एकदम स्पष्ट ओपन, बाद में कोई शंका नहीं आनी चाहिए। तो ये सबसे बेसिक और एकदम कॉन्क्रीट, मतलब बेसिक है और एकदम पिलर है, यहाँ कुछ भी गड़बड़ हुई तो पूरा द्रव्यानियों का महल खड़ा नहीं हो सकता। द्रव्यों पर्याय समझ में नहीं आएंगे, आप सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी किसी किसी का। बताओ क्या समझ में आया, किस किस के कितने प्रदेश है? सबसे ज्यादा प्रदेश किसके हैं? सबसे कम? काल द्रव्य। अब काल के बारे में लोगों को बहुत गलत फहमी थी, काल क्या कहते, काल या हम कहते काल तो समय है, तो काल के प्रदेश कैसे हो गए? काल तो टाइम है ना, टाइम के प्रदेश होते हैं क्या? टाइम को भी नापा, टाइम की कोई जगह घेरता है? एक घंटा जगह घेरता है, तो कालानु जगह कैसे घेरेगा, ये प्रश्न होता है। तो इसके समझने के लिए अपने को समझना होगा कि भाई काल के कितने भेद, दो भेद हैं। एक है निश्चय काल, उसको कहते हैं कालानु, वो वस्तु है, वो द्रव्य है। समय आदि तो उसकी अवस्थाएं,
उसके निमित्त से होने वाली चीजें ही, असल में तो काल आणु एक द्रव्य है, क्योंकि बिना द्रव्य के पर्याय नहीं होती। दूध गोरस के बिना दूध नहीं होता है, सोने के बिना आभूषण, मनुष्य के बिना बालक युवा वृद्ध, जीव के बिना नर नारक त्रियंश पर्याय नहीं होती ना। जैसे द्रव्य के बिना उसकी अवस्था नहीं होती, तो कालाणु एक द्रव्य है जिसको अपन कहते हैं, जैसे जैसे जीव द्रव्य है, उद्गल द्रव्य है, आकाश एक द्रव्य है, ऐसे काल भी एक द्रव्य है, उसका अस्तित्व है। और उस काल द्रव्य की जो अवस्थाएं हैं उसका नाम समय, मुहूर्त, दिन, महीना, वर्ष आदि है, वो सब काल की अवस्थाएं हैं। असल में कालाणु है, और कालाणु लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर व्याप्त है, और उसका प्रति समय प्रणमन होता है, उससे ये समय मतलब छह द्रव्य का प्रणमन होता है, और उससे ये दिन घड़ी आदि के नाप होता है। मतलब हम जो ये जो छह द्रव्य का जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन में जो कारण है वो कालाणु है, निश्चय निश्चय द्रव्य जिसे कालाणु कहते हैं। ये तो जो समय आदि है ये तो व्यवहार काल, असली ये नहीं, असली चीज तो वो है, उस असली के बिना ये नकली मतलब ये समय आदि नहीं होते, तो वो निश्चय कालाणु है, वो निश्चय कालाणु एक प्रदेशी है, और उसकी अवस्थाएं हैं समय आदि सब। ये युग है, उसका एक कार्य है कि वो छह द्रव्यों के परिवर्तन में निमित्त होता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात कुछ? उसका उसका जो वर्तना है, वर्तना लक्षण है जो काल का, उस वर्तना के निमित्त से ये वर्तन होता है, परिवर्तन होता है, और उसी से परिवर्तन जो हुआ, तो हर समय में जो परिवर्तन हुआ तो वो उस काल की अवस्थाओं को समय आदि नाम से देते हैं। तो काल द्रव्य कालाणु की अवस्थाओं को समय कहा जाता है, और कालाणु निश्चय काल कहा जाता है। जो एक वस्तु है, जैसे जीव एक वस्तु है लेकिन अनंत गुणों का पिंड, ऐसे कालाणु भी एक वस्तु है अनंत गुणों का पिंड। इसे बहुत ये आपको ऐसे ये इसके बारे में और समझना हो तो थोड़ा डिटेल में इसमें 85 का आदि ग्रंथों में दिया है, क्योंकि आप लोगों का जो प्रश्न है वो सामान्य प्रश्न नहीं है, वो प्रश्न बहुत विद्वानों का प्रश्न है। क्योंकि श्वेतांबर मत पांच ही द्रव्य मानता, उन्होंने कालाणु नहीं माना, तो वो पूरी बहस है उसके ऊपर लंबी छोड़ी। ऐसा वो निश्चय काल के बिना व्यवहार काल होगा कहाँ से? जो वस्तु ही नहीं है, द्रव्य द्रव्य के बिना पर्याय किसकी? समय आदि कहाँ से बनेंगे? जो असली जब चीज ही नहीं होगी, मूर्तिमान द्रव्य मतलब कोई द्रव्य के बिना उसकी पर्याय का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता। और उसके लिए कोई गाथा है, 10-10 गाथाओं में उसके परस्पर में वो जो है तर्क वितर्क अच्छे सिद्ध किया। ऐसे ऐसे प्रश्न कोई अच्छे सामान्य नहीं है, प्रश्न तो अच्छे हैं, पर वो अभी इतना ही जितना समझ में आ सकता है आपको उतना ही समझा सकते हैं, क्योंकि अभी फिर वो पूरा आपको 10 गाथाएं बतानी पड़ेगी क्या, तो 85 चालू हो जाएगा। अभी तो आप इतना ही समझ लो कि कालाणु एक द्रव्य है, एक प्रदेशी है, और वो उसकी अवस्थाएं जो है उसको समय आदि समय है, समय के समूह को आव भी कहते हैं, आवियों के समूह को श्वासोच्छ्वास, अनेक श्वासोच्छ्वास, कभी मुहूर्त 30 मुहूर्त का एक दिन, फिर 15 दिन का एक पक्ष, 2 पक्ष का एक महीना, ऐसे बनते ना, वो सारा उसके निमित्त से बनती जाएगी, सारी यूनिट डेवलप होती जाएगी। लेकिन वो बनी किसकी है, वो सब है किसके आधार से? कालाणु के आधार से। कालाणु नहीं हो तो काल नहीं है, समय नहीं रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा, कूटस्थ हो जाएगा, जो जैसा है वैसा वैसे, वो किसी को स्वीकार नहीं, परिवर्तन तो संसार का नियम है। ठीक है, प्रदेश समझ में आ गए सबको? हाँ बोल रही है, सब निश्चय काल में कालाणु, कालाणु इज इक्वल टू निश्चय काल, कालाणु की अवस्था जो समय आदि वो व्यवहार। इसलिए अपने देखो भेद किए द्रव्यों के, ये भी अपने कल रह गए थे पढ़ाना, हर एक द्रव्य के भेद, जैसे जीवों के भेद किए, सबके दो दो भेद किए, सरल जीव के दो भेद, संसारी और मुक्त। हम कौन से हैं? किसी को ये संदेह तो नहीं है ना, मुक्त का हम सब संसारी जीव। संसारी मतलब संसारी मतलब जो मोड़ आते हैं भाव से युक्त है वो संसारी,
और जो मूलार्थ के भाव से रहित हो गए वो असंसारी मुक्त है। संसार कहाँ होता है? संसार, संसार में जो रहते हैं वो संसारी, जिस जीव में संसार रहता है वो संसारी। संसार अपन जगह को मानते हैं कि जगह इसका नाम संसार, इसकी दीवार है ना, ये कपड़ा है, ये मध्य लोग है, इसका नाम संसार, लोकाकाश का नाम संसार, जगह का नाम संसार, वो तो लोक है, संसार वो नहीं है। संसार तो जीव के जो मूलाकर भाव है उसका नाम है। देखो अनंत भगवान भी इसी लोक में रहते हैं लेकिन वो संसारी नहीं कहे जाते। क्यों नहीं कहे जाते? मूलाकर तो संसार जगह का नाम नहीं है, कोई स्थान का नाम नहीं है। संसार तो जीव की जो विकारी परिणति है उसका नाम। इसलिए ये कहना कि संसार में जीव रहता है, उसकी जगह ये कहना चाहिए कि जीव में संसार रहता है। मोहराम के भाव जीव में रहते हैं कि मोहराम के भाव में जीव रहता है? जीव में रहते हैं ना, जीव की अवस्था है, तो जीव में संसार है, संसार में जीव नहीं है। लोक में जीव ही कह सकते हो, इसलिए अपनी भावना भी दो अलग अलग है, एक लोक भावना एक संसार भावना। लोक भावना में पूरे लोक के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया जाता है, तीन लोक में क्या क्या है वहाँ सब बताएंगे। और संसार भावना में तो इस बात पे जोर है कि हे जीव तेरे मूल आग के भाव से तू दुखी हो रहा है, इनका अभाव कर, संसार दुख रूप है। संसार दुख रूप माने लोक तो ही दुख रूप है। संसार दुख रूप का मतलब ये कि अपने मूल आग के भाव वो दुख रूप है, दुख के कारण। तो जीव के दो भेद हो गए, संसारी माने कर्म सहित, अथवा यूं कहें मूल आग के भाव सहित संसारी, और मुक्त माने कर्म रहित जीव, पूर्ण मुक्त कर्म रहित जीव, अर्थात मोह राग भाव से रहित, भाव कर्म से रहित और द्रव्य कर्म मोह कर्म से भी रहित, उन्हें क्या कहते हैं हम? मुक्त। सारी बात समझ में सबको? उद्गल के भेद, उद्गल के कितने भेद हैं? दो, परमाणु और स्कंद। स्कंद किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक परमाणु के समूह को स्कंद कहते हैं। और उद्गल परमाणु किसे कहते हैं? उद्गल के सबसे छोटे टुकड़े को परमाणु। अपना जो शरीर है ये परमाणु की स्कंद है, कितने कितने परमाणु है इस स्कंद में? असंख्या अनंत। अभी असंख्या और अनंत में वो चक्कर है, लोगों को ये भी समझ में आ रहा है असंख्या किसका नाम है अनंत किसका। देखो ये भी मैं आपको बताऊँ, संख्या का मतलब ये होता है कि जहाँ तक मति शुद्ध ज्ञान जान सके, मैंने मति शुद्ध ज्ञानी जिसकी संख्या गिनती कर सके वो है संख्या, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं। हम भी सबसे बहुत बड़े ज्ञानी मति शुद्ध ज्ञानी, मति शुद्ध ज्ञानी में जो टॉप मोस्ट है, द्वादशांग के पाठी शुद्ध केवली, सर्वाधिक उत्कृष्ट मति शुद्ध ज्ञान को धारण किए हुए, वो जहाँ तक की संख्या को जानेंगे उसे हम कहेंगे संख्या। क्या कहेंगे उसको? संख्या। वो गिनती हो गई जहाँ तक की संख्या की, संख्या, और उससे एक उसमें एक संख्या की ओर वृद्धि करी तो वो क्या चालू हो जाएगी? असंख्या। और वो असंख्या को कौन जानेंगे? अवधि ज्ञानी। और अवधि ज्ञानी जहाँ तक जानेंगे वो है असंख्या, और जो अवधि ज्ञानी भी नहीं जान सकते वहाँ तक केवल ज्ञानी जानेंगे उसका नाम है अनंत। और फिर उस अनंत के दो भेद हैं, एक है सक्षय अनंत और एक है अक्षय अनंत। अक्षय अनंत है जो रियल अनंत है, जिस अनंत का अंत आता नहीं, अनंत काल तक भी इसमें से निकालते जाओ तो भी जिस राशि का अंत ना आए वो अक्षय अनंत। और सक्षय अनंत तो केवल कहने मात्र का अनंत है। यहाँ जितने भी स्कंद आदि की चर्चा है ये सब अक्षय अनंत की बात है। इस कागज में कितने स्कंद है? अक्षय अनंत। संख्यात में एक अधिक चालू, संख्यात में एक अधिक जोड़ दो तो असंख्यात चालू हो जाता है, और अनंत में एक कम कर दो तो असंख्यात का सबसे बड़ा भी रह जाता है। संख्यात में एक उत्कृष्ट संख्यात में एक जोड़ा तो जघन्य असंख्यात आ गया, और जघन्य अनंत में एक घटाया तो उत्कृष्ट असंख्यात आ गया। असंख्यात के असंख्यात भेद है, संख्यात के संख्यात भेद है, और अनंत के अनंत भेद।
गणित की बात है, थोड़ी सी गणित समझना पड़ेगा इसके लिए, पर मोटा मोटा गणित है, कोई बहुत बारीक नहीं है। संख्या माने गिनतियाँ हैं, जहाँ तक मतिश्र ज्ञान जान सकते वो संख्या है, और उसके आगे की संख्या को असंख्यात कहते हैं, और उसके भी आगे की संख्या को अनंत कहते हैं, और अनंत में जो अक्षय अनंत है, मैंने जिसका अंत नहीं आया वो अक्षय अनंत। अधिकांश अनंत जब भी बोला जाता है तो उसका मतलब अक्षय अनंत होता है। सक्षय अनंत जब भी आएगा तो अलग से उसका नाम ले देंगे सक्षय, बाकी जब जब भी अनंत बोला है आप उसको अक्षय अनंत ही समझ। तो पुद्गल में कितने, स्कंद में ये शरीर में कितने परमाणु हैं? अनंत। शरीर रूपी स्कंद में अक्षय, अक्षय अनंत किया। ये टेबल चौकी जितनी चीजें दिख रही हैं अपने, जितने भी स्कंद चक्षु इंद्रिय से गोचर होते हैं, ये सब अनंत परमाणु के स्कंद हैं। अनंत अनंत परमाणु हैं सब में। इसलिए ये जो अपनी ये जो मशीन दिखती है ना पूरी, शरीर और आत्मा की मिली हुई मशीन, इसमें अपना हिस्सा तो एक ही है, अनंत हिस्से तो पुद्गल परमाणु के हैं। अपना शेयर देखा जाए इसमें तो अपना एक ही शेयर है, अनंत शेयर पुद्गल परमाणु के, और फिर भी पूरी कंपनी के मालिक अपन अपन बन रहे हैं, ये अपनी गलती है। बाकी अनंत परमाणु इसके मालिक है, सबका एक एक शेयर है, अपना तो एक शेयर है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, आकाश के कितने भेद है? दो भेद, लोकाकाश और लोकाकाश। जितने क्षेत्र में क्षेत्र द्रव्य रहते हैं उसके क्षेत्र को लोकाकाश, जहाँ अकेला आकाश में पाया जाता है उसको अलोकाकाश। परिभाषा की इसके पीछे, जहाँ जीवादि क्षेत्र में पाए जाते हैं वो लोकाकाश, जहाँ केवल आकाश में पाया जाता है वो अलोकाकाश। काल के भेद दो, निश्चय काल और व्यवहार। जो समस्त पदार्थों के परिणाम में निमित्त हो, जिसे कालाणु कहते हैं, वो है निश्चय काल। कालाणु को निश्चय काल कहते हैं, जो क्षेत्र द्रव्यों के परिणाम में निमित्त सहायक, और काल द्रव्य की जो अवस्थाएं हैं, जैसे समय दिन घंटा महीना वर्ष आदि, इसे हम क्या कहते हैं? व्यवहार। ये सब इसमें लिखा है, नोट्स किस किसके पास नहीं है, इसका नोट्स लिए नोट्स ले लेना, नोट्स ले लेना भी इसके बाद, इसमें सब लिखा है, और नहीं तो नेट पे से डाउनलोड कर लेना, सब 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 कुछ रखा हुआ है, जिसको लिंक चाहिए वो लिंक बाद में पूछ लेना, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई काल द्रव्य के दो भेद, निश्चय काल और व्यवहार काल। फिर इसके बाद में सक्रिय और निष्क्रिय द्रव्य हो गया, विभाव परिणाम मैंने, विभाव मैंने अशुद्धि किन किन द्रव्यों में है, तो दो द्रव्यों में, जीव में और उद्गल में। ये हो गया पूरा चक्र, अपना इसमें कुछ भी बचा नहीं है, सब चीजें हो गई। अब कोई प्रश्न हो तो पूछ लो, इसमें क्या फायदा है? तो भाई इसके अनंत फायदे हैं, इस विश्व को व्यवस्था को जानने के फायदे एक नहीं अनंत है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे कर्तव्य का अहंकार मिटता है, और ये जो हम इस दुनिया के मालिक बन बैठे हैं जबरदस्ती, अनंत पुद्गल परमाणु के मालिक बन गए। वस्तु व्यवस्था में तो ऐसा है कि कोई किसी का मालिक नहीं है, सब अपने अपने मालिक हैं, लेकिन जीव द्रव्य की इतनी खोटी आदत है कि जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में मालिक बनने की कोशिश करते, इसको मालिक बनने में मजा नहीं आती। हर पर्याय में पर द्रव्य को अपना करने की कोशिश की फिरता है, हर पर्याय में जहाँ जाता है वहाँ इसको भगाते हैं, वहाँ से भागो यहाँ से, कुछ नहीं होगा तुम्हारा यहाँ। फिर जहाँ जाएगा वहाँ आदत नहीं छोड़ता, वहाँ नया चालू करता है। मैंने ये इस जीव द्रव्य का आज तक कोई परमाणु हुआ नहीं, अरे इस एक का ही नहीं, किसी का, सब परमाणु स्वतंत्र अपनी अपनी सत्ता में विलास करते हैं। कोई भी परमाणु किसी द्रव्य का, कोई किसी जीव का होता नहीं, यानी जीव किसी परमाणु का स्वामी नहीं होता, लेकिन फिर भी सबसे पूछो तो सब किसी न किसी चीज़ के स्वामी बने हुए, बने कि नहीं बने? अब अपने मकान के हैं, दुकान के हैं, सबके स्वामी, किस किस के स्वामी नहीं है अपन? और असली स्थिति कि हम किसी चीज़ के स्वामी नहीं हैं, अपन अपनी निजात्मा के अलावा किसी के स्वामी है ही। जब द्रव्य की व्यवस्था समझो तो समझ में आती है बात, सब द्रव्य स्वतंत्र है, अपनी अपनी सत्ता में विलास करते हैं, कोई द्रव्य किसी द्रव्य का है नहीं, और कोई किसी द्रव्य का कर्ता धर्ता है नहीं। हम व्यर्थी जो है बस एक दूसरे का एक दूसरे से संबंध जोड़ जोड़ के दुखी रहते हैं। वस्तु व्यवस्था से पूछो आप किसका किससे संबंध है,
कौन से जीव द्रव्य का दूसरे जीव द्रव्य से संबंध है। अपन कितने सारे संबंध बना रखे, ये अपने मित्र है, ये परिवार वाले हैं, ये भाई है, कुटुंब है, संबंध बना रखे ना। वास्तव में संबंध नहीं है, संबंध बना रखे हैं, ये तो अज्ञान है। क्यों नहीं संबंध? अरे संबंध के संबंध तो शरीर के निमित्त से है, जब शरीर से ही संबंध नहीं तो और कैसे संबंध, ये सब तो बिगड़ जाएंगे। अभी जो पुत्र पिता के रूप में उत्पन्न हुए हैं वो आगे चल के कहाँ जाएंगे, कौन से शरीर को धारण करेंगे, किसके पिता बन जाएंगे, किसके पुत्र बन जाएंगे, ठिकाने नहीं। ये जो अपने संबंध है ये क्या शाश्वत संबंध है, सब क्षण भंगुर है। इस जीव का किसी जीव से कोई संबंध नहीं है, किसी जीव से। जो आज मित्र है वो कल शत्रु हो जाता है, जो आज शत्रु है वो कल मित्र हो जाता है, पिता पुत्र, पुत्र पिता हो जाता है, अरे पुत्र शत्रु हो जाता है, पिता शत्रु हो जाता है, कहीं क्या किस किस पर्याय। तो कौन है इस जीव द्रव्य का, निश्चय से देखा जाए तो इस जीव द्रव्य का कोई भी संबंधी नहीं है। और व्यवहार से देखा जाए तो किसी जीव से हमारा ऐसा नहीं हुआ हो कि अनंत अनंत वालों से संबंध न बनाओ, हर एक जीव से अनेकों बार अनेक प्रकार के संबंध बने, वो भी खड़े। कौन किसको अपन अपना माने, किसको क्या माने, इस पर्याय में तो अपन पूरा अहम बुद्धि करके अपना अपना मान लेते हैं, अन्य पर्यायों को भूल ही रहे। अब अपने को देखना होगा तो पूरे बड़े पिक्चर में देखना पड़ेगा ना, तो बड़े पिक्चर में देखेंगे यदि पूरा ओवरऑल, तो पाएंगे कि इस जीव द्रव्य का किसी से कोई संबंध नहीं है, और जो संबंध है तो सब जीवों से सब संबंध है, या तो कोई हमारा नहीं अथवा सभी हमारे हैं। कैसे हमारे हैं, किसी न किसी पर्याय में सब हमारे बन चुके हैं, और निश्चय से देखा जाए तो कोई हमारा हम ना किसी के, कोई ना हमारा, लेकिन नहीं ऐसी बात। इसको कहते हैं या तो मानना हो तो पूरी दुनिया को अपनी मानो, कि दुनिया कभी ना कभी किसी न किसी पर्याय में हर दुनिया का एक जीव द्रव्य कोई न कोई रूप में अपना रिश्तेदार बना, और नहीं तो अपना कोई भी नहीं। पिछले भाव वाले तो अपने है ही नहीं, इस भाव वाले भी अपने नहीं है। दो किनारे में रहो, या तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा कुटुंब है, या हमारा कोई नहीं है। ये जो तुमने बीच की स्थिति को अपना रखा है कि ये चार छह जने मेरे हैं और बाकी सब पराए हैं, ये बहुत खतरनाक, इससे सारा संसार मोर आग देश की परिणति उत्पन्न होती है। अपने पुत्र पुत्रियों के पोषण की चिंता होती है, दूसरों के पुत्र पुत्री बढ़ते हैं तो उनको देख देख कर दुखी होता है, उनसे ईर्ष्या होती है, ये सब क्यों हो रही है, अपना और परायापन के मिथ्या बुद्धि के कारण। किसी को अपना मान रखा है उसकी तरक्की देख के खुश होता है, किसी को पराया मान रखा है उसकी अवनति देख के खुश होता है। क्या है तो किसी का कोई संबंध है ही नहीं। द्रव्य अपेक्षा से देखो, आप साइंस के उस पे देखो तो आप देखोगे कुछ भी नहीं, ये केवल धारणा है, मिथ्या धारणा है कि हमने किसी को अपना मान रखा है। जहां देह अपनी नहीं होती वहां हमने कोई अपने कैसे हो सकता, ये तो जीव और देह का संयोग हुआ है, तो वो संयोग होने से वो हमारे थोड़ी नहीं हो गए जीव द्रव्य, उनका भी संयोग हुआ है। जिसको हम आज माता कह रहे हैं वो माता कल स्त्री पर्याय को छोड़कर और कोई रूप में उत्पन्न हो जाएगी, वो आत्मा अलग हो जाएगा, है उसके शरीर ने उत्पन्न किया है, उसने क्या किया, और उसके शरीर ने भी शरीर को उत्पन्न किया है, आत्मा को तो उसने भी उत्पन्न नहीं किया, तो जो संबंध हो रहा है वो तो शरीर के शरीर से संबंध हो रहे हैं, आत्मा का आत्मा से क्या संबंध हो रहा है। जब जीव मुनि दीक्षा लेता है तो उसके क्या वचन निकलते हैं, आओ इस पुरुष के शरीर को उत्पन्न करने वाले के आत्मा, निश्चय से ये आत्मा तेरे द्वारा उत्पन्न किया हुआ नहीं है, इसलिए अब तुम इस आत्मा को छोड़ो, और ये आत्मा आज अपनी आत्मा रूपी अनादि जननी के पास जा रहा है। ऐसे उद्गार निकलते हैं, हे मम्मी, हे पप्पा जी, जाऊ मम्मी अपनी कुछ नहीं, आओ इस पुरुष के शरीर के को उत्पन्न करने वाले शरीर के आत्मा, निश्चय से आत्मा तेरे द्वारा उत्पन्न किया हुआ नहीं है। ये वचन है कुछ अमृत चंद्राचार्य देव के, ऐसे कैसे जन्म होगा, जब ये जीव अपने परिवार वालों से विदा मांगता है तो किस प्रकार से विदा मांगता है। और फिर वहां ये भी बात लिखी है कि विदा मांगने का कोई नियम नहीं है कि विदा ही मांगी जाए,
क्योंकि ऐसी अनुमति लेने का नियम हो तो कल से कोई अनुमति तो कोई किसी को देने नहीं वाला, तो फिर ऐसे वचन क्यों निकलते हैं? तो उसका उन्होंने उत्तर दिया कि यदि उस परिवार में कोई अल्पसंसारी हो तो ऐसे वैराग्य के वचन सुनकर वो भी दीक्षा ले। इसलिए ऐसे वैराग्य के वचन निकलते हैं उनको संबोधन करने की भावना से, कि देख मैं तेरा नहीं हूं, तू इस संबंध को छोड़, तू इस मोह को छोड़, कोई किसी का नहीं। तो ये जो है द्रव्य से व्यवस्था समझ में आए ना तो सब व्यवस्था क्लियर हो जाती है। मोह का अभाव बिना द्रव्य गुण पर्याय जाने तीन काल में हो ही नहीं सकता। ये जीव द्रव्य किसी न किसी रूप में परद्रव्य से संबंध जोड़े रखेगा, और परद्रव्य से संबंध जोड़ने का नाम ही मोह राग द्वेष है। मोह किसका नाम? परद्रव्य को अपना मानना, इसी का नाम तो मोह है। पर से संबंध जोड़ा ना हमने, पर से हमने अटैचमेंट किया, ये मोह है। पर से कोई संबंध है नहीं और जीव ने संबंध उससे बना रखा, इससे ये सीधे मोह राग द्वेष के अभाव का उपाय है। ये क्या मैंने द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान वो जीव के मोह का तत्काल अभाव करता, सबसे अच्छी औषधि है ये। और तो अपन अभी बहुत संक्षेप में पढ़ी है, आप इसको विस्तार में पढ़ो तो आनंद आ जाए। क्या गजब व्यवस्था है, इस विश्व की व्यवस्था अद्भुत है। इस विश्व में सब द्रव्य स्वतंत्र अपना अपना काम करते हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, सब अपने अपने स्वामी हैं। और इसलिए अपने अपने स्वामी ही रहे, पर के स्वामी न बने तो सुखी रह सकते हैं। और जहाँ पर के स्वामी बनेंगे, स्वामी बन तो सकते नहीं, कोशिश करेंगे तो कर्मों के डंडे पड़ेंगे और खुद ही दुखी होंगे। दूसरा, इस ईश्वर कर्तत्व का खंडन जो है जो वो इसके बिना नहीं हो सकता। कि भाई ये छह द्रव्य आपसे पूछते हो कि फिर ये दुनिया है क्या, किसने बनाई है, इसकी क्या व्यवस्था है, चलती कैसे है, तो वो सारा उत्तर इससे मिलते हैं कि भाई ये छह द्रव्य अनादिकाल से अनंत काल तक रहते हैं और प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद वे ध्रुव मौजूद है, उसके कारण से वो अपना परिणमन अपना परिवर्तन स्वयं करता है, उसमें निमित्त है यदि कोई तो काल। तो ये सारी बातों का उत्तर इससे मिलता है। देखो कोई भी चीज़ होती है, कोई दुनिया बनाने के लिए, कोई वस्तु बनाने के लिए उसके लिए परमाणु की जरूरत होती है। तो परमाणु कहाँ से आया, वो सब क्या है, तो अपन कहते हैं कि भाई ये परमाणु अनादिकाल से संसार में मौजूद है, कोई इसको उत्पन्न करने वाला नहीं। तो ग्रहित मिथ्यात्व का, ईश्वर के कर्तत्व का खंडन ये द्रव्यगुण पर्याय के जानने से होता है। और वस्तु व्यवस्था का ज्ञान होता है, वस्तु व्यवस्था क्या है, जैन दर्शन का साइंस क्या है, दुनिया की क्या व्यवस्था है, ताकि हम भी अन्य मत जैसे उपटांगी माने कि पृथ्वी कोई प्रलय आ जाता है, पृथ्वी नष्ट हो जाती है, सब खत्म हो जाता है, वो कहीं समुद्र में डूब जाती है, और प्रलय से फिर भगवान सृष्टि को बाहर निकालते हैं तो सृष्टि बीच में कहाँ रही, प्रलय तो सृष्टि कहाँ रही, सृष्टि कहीं पानी के अंदर घुसी तो पानी था कि था। जो भी मतलब ये जितनी भी जो विपरीत मान्यताएँ हैं, इन सारी विपरीत मान्यताओं का इससे निराकरण होता है। और हम द्रव्य है ये जानकर अपने को अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। अनंत निराकुलता का उपाय है कि हम भी एक द्रव्य है, और एक द्रव्य होने से हम कोई दीनहीन नहीं है। जैसे सब जीव द्रव्य है अनंत गुणों के पिंड, ऐसे हम भी अनंत गुणों के पिंड एक जीव द्रव्य है, और हम सब जीव द्रव्य है तो हमें कोई भेद नहीं है। तात्विक व्यवस्था से देखा जाए तो एक मतलब ये कोई विभिन्नता नहीं, सभी जीव द्रव्य समान है। मतलब द्रव्य की द्रव्य दृष्टि से देखो तो सब द्रव्य सब क्या है, जीव द्रव्य है। और सिर्फ सब जीव द्रव्य है तो उनमें परस्पर भेद कैसा, सब जीव हैं, हम भी जीव हैं, आप भी जीव हो। द्रव्य की अपेक्षा से देखा जाए तो जीव द्रव्य आप जीव द्रव्य हो, जैसे मैं जीव द्रव्य हूँ, जीवत्व पने की अपेक्षा क्या अंतर, चैतन्य पने की अपेक्षा क्या अंतर। जैसे अपन जानने देखने का काम करते हैं, ऐसे ये जानने देखने का काम करते हैं, ये जानने का देखने का काम, प्रत्येक द्रव्य जानने देखने का काम करते हैं, तो चैतन्य पने की अपेक्षा उनमें क्या विभिन्नता है, कुछ विभिन्नता क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं, सब समान है। जीवत्व पने की अपेक्षा देखो तो सब जीव द्रव्य समान, कोई अंतर नहीं, सब जीव द्रव्य है। कोई को किसी वस्तु व्यवस्था में न किसी को बड़े लेने का अधिकार है,
न छोटे का अधिकार, सब जीव द्रव्य है अनाधिकार सब, उसमें बड़े छोटे का व्यवहार कहाँ से आए, तो जीव है। तो अपन पर्याय से देखते हैं, अवस्थाओं को देखते हैं, तो अपने को भेद दिखता है। द्रव्य दृष्टि से देखो तो क्या भेद दिखेगा, द्रव्य दृष्टि से देखो तो जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजा सब जीव है। ये तो आप अवस्थाओं से देखते हैं तो कहते हैं कि अरे ये संसारी है और ये मुक्त है, ये संसार में निगोद में है, ये मनुष्य अवस्था में है और ये सिद्ध भगवान है, ये सब अवस्थाओं से देखा। लेकिन उसके मूल स्वभाव से देखो, द्रव्य स्वभाव से, तो चैतन्यता की अपेक्षा जीवत्व पने की अपेक्षा क्या अंतर है, समझ आ रही नहीं आ रही बात क्या? तो हम कोई बड़े नहीं किसी से, हम कोई छोटे नहीं। तो दुनिया में जो बड़प्पन छोटेपन का व्यवहार है सब मिथ्या है, सब जीव द्रव्य, कौन किस कौन बड़ा बड़ा रहने का अधिकार तुमको किसने दिया और छोटे का अधिकार कहाँ से? तुम जीव हो ना, बाकी भी सब जीव है, तो जीव बने से देखो ना, जीव बने से क्या अंतर है? अरे जहाँ निगोदिया को मनुष्य को, निगोदिया को सिद्धों को एक समान कह दिया हो, वहाँ मनुष्य में भेदभाव करना ये कितनी बड़ी मूर्खता, कितनी उत्कृष्ट दृष्टि है। जो निगोद में सो मुझ में सो ही मोक्ष मजा, अंतर भेद कछु भी नाही, और भेद ही नहीं हो संसार। भाई तुम अंतरंग दृष्टि से देखो तो कोई भेद नहीं है, और जहाँ भेद दिखना चालू हुआ संसार खड़ा चालू, संसार उसी का नाम है जहाँ परस्पर भेद देखना। और अभेद दृष्टि से सबको ये देखना कि सब जीव द्रव्य है, सब चैतन्य है, द्रव्य की अपेक्षा से सब जीव है, तो जीव को जीव देखना, और ये सब बाकी सब चीज़ें क्या है, उद्गल है, धर्म है, अधर्म, आकाश का क्षेत्र है, ये छह प्रकार की जाति वाले क्षेत्र है। अपन जीव में भी भेद देखते हैं, उद्गल में भी भेद देखते हैं, उद्गल में करते क्या करते हैं? लोहा और सोना एक बराबर, चूड़ी पहन रखी हो चोरी चली गई, चोरी चली गई तो भयंकर दुख हो, किसी ने बताया कि नहीं नहीं नहीं, नहीं वो तो कोई पॉलिश कर रही थी अपन नकली थी, कोई बात नहीं, तो एक क्षण में जो है वो दुख मिट गया, कैसे मिट गया, उद्गल में भेदभाव दृष्टि करना। तो कह रहा है ये भेदभाव दृष्टि करना ये अज्ञान है, उद्गल को पौद्गलिक दृष्टि से देखो तो सारे उद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं समान, क्या अंतर है उसमें? जीव को कौन सा उद्गल लाभ देता है और कौन सा हानि करता है, कौन सा पुद्गल लाभ करता है? जीव सोना ज्यादा लाभ करता है, डायमंड ये है, चांदी है, प्रेम सिकता प्रेम पत्थर से, वही पत्थर थोड़ा सा अवस्था बदल लेता है, थोड़ी उसमें चमक आ जाए पत्थर में तो उस चमक के पीछे दीवाना हो जाता है, और वही पत्थर जब तक चमक नहीं आती तो उसके, अरे जीव जो है अवस्थाओं में मर रहा है, अवस्थावान को नहीं देख रहा, और इसको दिखवाना है अवस्थावान कि तू उसके मूलभूत स्वरूप को देख, तो पुद्गल है, पुद्गल तो पुद्गल है, अचेतन है, उसमें क्या है तेरा कुछ भी, अरे उस पुद्गल को जो जानने वाला ज्ञान है उसको देख, वो कितना कीमती है, तो इसमें अटका पड़ा है, इसको जानने वाला ज्ञान कितना कीमती है, उस ज्ञान की कीमत नहीं आ रही है, वो पत्थर के ठीकरे की कीमत आ रही है। क्या तो ये जो तात्विक दृष्टि है ये द्रव्य दृष्टि से जैसे अपने को मिलती है कि भाई ये सब उद्गल है, ये धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है। क्या तो इस प्रकार से और भी अनेक प्रकार से आप सोचना कि द्रव्य को जानने से क्या लाभ होता है, क्या प्रश्न? अगर प्रदेश में परमाणु होना जरूरी है, अभी वही थे आप प्रदेश में परमाणु होना जरूरी, प्रदेश में परमाणु होना जरूरी मतलब नहीं, मतलब प्रदेश है तो उसमें पुद्गल परमाणु होंगे जरूरी, या सिर्फ उसी के परमाणु हो सकते? किसी के परमाणु, जैसे धर्म है तो धर्म के ही परमाणु, कहाँ पे? प्रदेश, धर्म प्रदेश में अगर होगा, जब आकाश का जो एक प्रदेश है उस आकाश के एक प्रदेश पर पुद्गल भी रहता है, जीव भी रहता है, धर्म भी रहता है, अधर्म भी रहता है, आकाश भी रहता है और काल, एक ही प्रदेश पे छह प्रदेश, एक ही प्रदेश पे रहना, एक प्रदेश पे काल भी रहना है, उस प्रदेश पे आकाश भी, अलग 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 भी, अलग अलग तो असंख्या रही थी ना, अलग अलग एक एक प्रदेश पर एक एक कालम रहता है,
तो किसी भी एक प्रदेश पर यदि हम देखेंगे, एक प्रदेश पर एक काला अणु मिलेगा कि एक प्रदेश पर एक काला अणु, उसी एक प्रदेश पर अखंड आकाश जो है, आकाश का एक प्रदेश है, उसी पर धर्म द्रव्य का एक प्रदेश है, उसी पर अधर्म द्रव्य का एक प्रदेश है, प्रदेश पे छह और जीव भी हैं, जीव कितने होंगे उस पर, अनंत, और वही अनंत पुद्गल भी है। सुई की नोक जितने क्षेत्र में तो अनंत जीव द्रव्य है, अनंत पुद्गल है। क्या सुई की नोक जितने, और सुई की नोक में तो आकाश के एक प्रदेश पर भी ले लो तो आकाश के एक एक प्रदेश पर अनंतानंत जीव और अनंतानंत उद्गल है, और धर्म अधर्म आकाश तो एक एक ही है, एक ही अखंड है, उसका एक हिस्से ही माना, और काला अणु एक है, काला अणु तो एक प्रदेश पर ही रहे, और धर्म द्रव्य है बहुत बड़ा, एक प्रदेश पर एक हिस्सा रहेगा उसका, इतना बड़ा है जैसे कोई चीज 100 मीटर लंबी है, एक मीटर पर कितना आएगा उसका, एक बटा 100 हिस्सा, तो ऐसे आकाश में बहुत बड़ा, एक प्रदेश पर उसका एक बटा अनंत का भाग है, धर्म द्रव्य बड़ा है तो एक एक प्रदेश पर उसका संख्यात भाग आएगा, कालाणु का पूरा एक कालाणु पूरा आ जाएगा, और जीव द्रव्य का असंख्यात भाग आएगा, लेकिन अनंत जीव द्रव्य थे सबका एक एक प्रदेश में रहेगा। सिद्ध जीव के प्रदेशों पे, हाँ सिद्ध भगवान जहाँ रहते हैं, जहाँ सिद्ध भगवान है वहीं अनंत आत्मा है और भी, और वहीं अनंत निगोदिया भी है, अनंत सिद्ध भी है, अनंत पुद्गल परमाणु भी है, धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, जहाँ सिद्ध रहते हैं वही निगोदिया भी रहते, सिद्धों का स्थान और निगोदिया का स्थान एक ही ऊपर, मैंने निगोदिया तो पूरा लोकाकाश भी है, लेकिन तो लोकाकाश में पूरे तो जहाँ सिद्ध भगवान रहेंगे वहाँ पर भी निगोदिया मिलेंगे, तो इसलिए वो स्थान का नाम मोक्ष है नहीं, जिस स्थान पर सिद्ध भगवान है उसी स्थान पर अनंत निगोदिया भी रहते हैं, इसलिए वो स्थान को यदि हम मोक्ष कहें तो निगोदियाओं को भी मोक्ष कहना पड़ेगा, क्योंकि निगोदिया संसारी है, क्योंकि उनमें मूलाग जो भाव विद्यमान और जो सिद्ध भगवान है उनमें वितराग का, दोनों एक ही स्थान पर रहते हुए भी दोनों की परिणति अलग है, एक में रहते हैं एक ही स्थान पर, लेकिन एक मेक नहीं हो जाते। अरे यहाँ तक कि ये जो प्रकाश है ये सबका प्रकाश एक ही स्थान पर है, लेकिन प्रकाश एक में एक नहीं हो जाता, ये उससे मिल जाए, यदि एक दूसरे मिल जाए तो ये बंद करने पर सब बंद हो जाए, ये बंद होती तो इसका प्रकाश फिर सिमट जाता, वो बंद करी तो उसका सिमट गया, वो सिमट गया, एक क्षेत्र में है लेकिन फिर भी अलग अलग, ऐसे एक ही स्थान पर अनंत जीव हैं लेकिन सबकी सत्ता अलग, एक द्रव्य दूसरे से मिलता नहीं, सब अपनी अपनी सत्ता में विलास करते। और प्रश्न उठने चाहिए एक्चुअल में, इसमें ये टॉपिक में जितने प्रश्न उठेंगे उतने आंसर अपने में आएंगे तो एक क्लियर होगा। विभाव माने अशुद्धता, स्वभाव माने जैसा वस्तु जैसा द्रव्य का स्वभाव है उसी रूप में रहना, और जैसा द्रव्य का असली स्वभाव नहीं है उस रूप में न रहकर अशुद्ध अवस्था में रहना, स्वभाव के विपरीत विभाव भाव में परिणति होना, वो विभाव रूप। जैसे आत्मा का स्वभाव क्या है, जानना देना, क्रोधादि करना क्या है उसका विभाव, अब पुद्गल आत्मा का स्वभाव विभाव तो समझ में आ गया, आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, रागादि भाव करना विभाव, तो आत्मा में विभाव पड़ती होती है ना, अशुद्धता आत्मा में होती, संसारी अशुद्ध तो है, अब पुद्गल में विभाव क्या होता है, पुद्गल की विभाव रूप अवस्था कैसे की, स्कंद बनने उसका विभाव, अकेला पुद्गल परमाणु रहना शुद्ध है और एक से दो की मिलावट हो गई वो अशुद्धता, स्कंद अशुद्धता है, मैंने बताया कितने स्कंद अशुद्धता, दो पुद्गल परमाणु मिल गए ना अशुद्धता आ गई, ये शरीर ही अशुद्ध है। और फिर बाद में कोई प्रश्न नहीं, आफ्टर वर्ड कोई क्वेश्चन नहीं, जो कुछ हो सब पूछ रहे हैं। हाँ जितेंद्र अरे अभी पूछता, अभी जो हो तो अभी तो मन में पूछ लो, बात का तो बाद में पूछ लेना, अपना टाइम हो रहा है बस, कभी इसके बाद में द्रव्य चैप्टर बिल्कुल टच नहीं करूँगा, कल से अपने को सदाचार चालू करना, संख्या तो सब द्रव्यों की स्पष्ट ना, संख्या चलो पूछ लेता हूँ, जीव कितने हैं संख्या में, अनंत उद्गल अनंत, अनंत धर्म अधर्म आकाश, ठीक है काल द्रव्य
असंख्या, कितने असंख्या लोकाकाश, जितने लोकाकाश के प्रदेश है उतने कालाणुओं की संख्या है। स्पष्ट ठीक है, पर्णन होता है, चारों में चार द्रव्य शुद्ध पर्णन होता है और द्रोह में यदि अशुद्ध भी होता है, यदि अशुद्ध अवस्था भी होता है शुद्ध पर्णन, शुद्ध है तो शुद्ध पर्णन, लेकिन चारों में तो शुद्धता ही शुद्धता होता है, अशुद्धता उसमें होती नहीं, उनका पर्णन कभी अशुद्ध नहीं होता। तो उसका पर्णन क्या स्थान देना ही उसका कार्य है, तो स्थान देना है प्रति सब काल का वर्तन काम हो रहा है, धर्म ग्रंथों का गति हेतु स्तुति हेतु वो हो रहा है, जीव में राग्वेश भाव होते हैं इसकी अशुद्धता हो जाती है, अशुद्ध प्रणमन भी होता है शुद्ध भी होता है, शुद्ध प्रणमन होता है तो मात्र जानना देखना होता है, रागादि भाव नहीं होते। बुद्धगम में अशुद्धता यही है कि वो स्कंद रूप में हो गया वो अशुद्धता है, परमाणु में आ गया तो शुद्धता हो, अकेला है शुद्ध, दो हो अशुद्धता, हर एक वस्तु अपने आप में पूरी शुद्ध है, मिलावट अशुद्धता का कारण, सिद्ध भगवान में किसकी मिलावट है, एक चीज की नहीं, द्रव्य कर्म भाव कर्म मोह कर्म शरीर आगादि भाव किसी की पूर्ण शुद्ध, और अपने में सबकी है, और कर्मों का भी संबंध है, आगादि भाव भी है, शरीर भी है, सबका संबंध है, अशुद्धता है परमाणु है उसमें दो का सही है, मैंने एक अकेली चीज होती है शुद्ध होती है, और अकेले में दुकेला आया एक में दूसरा मिला बस अशुद्धता चला। मूल से जीव अनादिकाल से क्या अशुद्ध अवस्था में रहा है, मिले अनादि, यद्यपि अनादिकाल से जीव और शरीर का संबंध रहा है लेकिन यतनते बिछड़े, यत्न किया जाए तो दोनों का अलग अलग किया जा सकता, जैसे दूध और पानी मूल से मिला हुआ है लेकिन अलग अलग किए जा सकते हैं, ऐसे जीव और शरीर का संयोग अनादिकाल से है अलग किया जा सकता, मिलावट है अशुद्धता है कहीं शुद्ध हो सकता है, समझ में ना, मैंने ऐसा नहीं कि यदि ये अशुद्धता है अनादिकाल से तो अशुद्धि रहेगा, भले ही दूध और पानी मूल से मिले हुए भी होते हैं लेकिन अलग किए जा सकते हैं, किए जा सकते, सोना और मिट्टी मूल से मिले हुए आते हैं, कभी भी सोना और मिट्टी अलग अलग नहीं होते, मूल से मिला हुआ होता है लेकिन फिर भी अलग अलग दोनों को कर लिया जाता है, वहाँ गर्म करके मिट्टी मिट्टी अलग कर देते हैं और सोना सोना अलग निकाल देते हैं, ऐसे जीव जो है जीव का अनादिकाल से कर्म के साथ संबंध है, शरीर के साथ संबंध है, लेकिन जो है इसको रत्न तरह की अग्नि पे तपाओ कचरा कचरा निकल जाता है, मेल निकल जाता है शुद्ध आत्मा। ठीक है, आज की कक्षा यही रखते हैं अपन, कल से अपना सदाचार का पाठ चालू है, और इसके अलावा एक और चीज सुन लो, कल के बाद में परसों छह डाला की एग्जाम होगी, अपने अपने एक एक पेन ले आना साथ, और एग्जाम सब लोग देना जितना है जैसा है, एग्जाम में पार्टिसिपेट तो करना।